महंगाई से देश की जनता की कमर टूट गई है। प्याज से लेकर हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। देश में आर्थिक मंदी की बात भी कही जा रही है और इस सब का बोझ आम लोगों पर ही पड़ेगा। वही सरकार एक और बोझ आम लोगों के कंधे पर डाल सकती है। दरअसल पीएमओ ने सिफारिश की है कि अगर रेलवे की माली हालत सुधरनी है तो यात्री ट्रेनों का किराया बढ़ाना होगा। पीएमओ ने तो यहां तक कह दिया है कि एक दो महीने के भीतर ही किराया बढ़ा देना चाहिए। अब पीएमओ ने रेल किराया बढ़ाने की सिफारिश क्यों की है ये भी जान लीजिए। इस साल रेलवे की यातायात से कमाई कम जबकि खर्च ज्यादा हो गया है। अप्रैल से अक्टूबर की तिमाही में रेलवे को यात्री और माल यातायात से मात्र 99,000 करोड़ से कुछ ज्यादा की कमाई हुई है जबकि लक्ष्य 1,18,000 करोड़ की कमाई का था। वही खर्च बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और खर्च को 96,000 करोड़ रुपए पर सीमित रखने का लक्ष्य था। जिस लक्ष्य को लेकर रेलवे चल रहा था वो पूरा नहीं हो पाया, इसके लिए कदम भी उठाए गए। जैसे वस्तुओं की माल भाड़ा दरों में 20% की रियायत देने का ऐलान रेलवे कर चुका है जबकि खाली चल रही चुनिंदा प्रीमियम ट्रेनों को भरने के लिए उनके किराए भी कम किए गए हैं। इनमें कुछ रूटों पर चलने वाली शताब्दी गाड़ियां शामिल हैं। इसके बावजूद भी रेलवे की आमदनी नहीं बढ़ी है। अगर रेलवे की किराए की बात करें तो जून 2014 में किराया बढ़ाया गया था, उस वक्त किराए में 14.5% की बढ़ोतरी की गई थी जबकि माल भाड़े में 6.5% तक का इजाफा किया गया था। तब भी सरकार ने रेलवे की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का जवाब देते हुए फैसले को जायज ठहराया था, लेकिन रेलवे का खजाना अभी भी खाली है। एक बार फिर किराया बढ़ने की जो कवायद चल रही है उससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। वहीं लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से किराया बढ़ाया जा रहा है उसके मुताबिक रेलवे सुविधाएं देने में नाकाम है। यानी किराया बढ़ने की बात तो चल रही है लेकिन सुविधाओं को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। R9 टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप लोगों ने ये रिपोर्ट देखी और जाहिर तौर पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब रेलवे को घाटा हो रहा है ये तर्क देकर किराया बढ़ाने की बात हो रही है और जिसे कहा जा रहा है कि जैसे कि मेरे सहयोगी कुलदीप ने बताया कि इस महीने से कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल कुलदीप यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि जब घाटा हो रहा है तो इस घाटे की भरपाई क्या जनता करेगी? नहीं, सवाल ये भी नहीं है आशिमा, सवाल ये है कि दरअसल बहुत बड़े प्लान्स हैं रेलवेज को लेकर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें कई लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाए। अब जब इन्वेस्ट किया जाए तो आप समझिए कि पैसा चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए, पैसा चाहिए, वो जनता से भी चाहिए, सरकार अपने चेकर से भी निकालेगी, वो भी जनता का पैसा होता है। लेकिन हमारा जो रेलवे है दुनिया का सबसे बड़ा टॉप 3 जो बड़े नेटवर्क है उसमें से एक है और हमारे रेलवे काफी पीछे है। हाँ ठीक है, काफी पीछे, फिर चाहिए ना पैसा उसको, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 4 से 5 सालों में हमने देखा है कि बहुत सी टेक्निक्सों को इंप्रोवाइज किया गया है। अभी हम जो टीवी पर ट्रेन्स देख रहे थे ये 4-5 साल पहले की जो तस्वीरें हैं, ट्रेन के हुलिये बदल चुके हैं, ट्रेन की रफ्तार बदल चुकी है। आपको पता है एक ट्रेन की रफ्तार 10 किलोमीटर एवरेज बढ़ानी हो उसके लिए लाखों करोड़ रुपए का खर्च आता है, बिल्कुल आता और है। सरकार इसी में जुटी है कि रेलवे नेटवर्क। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी कुलदीप, लेकिन फिर भी लेट होना, इस तरह से परेशानी, घंटों इंतजार करना रेलवे ट्रैक पर, कहीं ना कहीं ये इस ओर भी इशारा करता है जिसकी आप बात कर रहे हैं उस पर खर्चा। खर्चे की बात यहाँ पर पहली बार नहीं हो रही कि इस तरह से किराया में बढ़ोतरी हो रही है। 2014 के बाद अभी बढ़ोतरी हो रही है,
लेकिन बढ़ा तो दिया जाता है किराए को, लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं। हाँ, यही मैं आपको बात बताना चाहूंगा आशिमा। सबसे पहले तो किराया जो बढ़ाने की अब ये सिफारिश आई है रेलवे बोर्ड के पास, हो सकता है इस महीने से किराए बढ़ जाए, अगले साल शुरुआत से किराए बढ़ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस महीने से किराए बढ़ जाएंगे। लेकिन ये किराए जो बढ़ रहे हैं 4 या 4.5 साल के बाद बढ़ रहे हैं। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, क्योंकि कोई भी हमारी सैलरीज अगर 4 साल के बाद बढ़े हमें अच्छा लगेगा? हमें भी हर साल बढ़ता है, हमारी सैलरी बढ़ती है, वेतन बढ़ता है, लेकिन हमारे ऊपर काम भी उतना आ जाता है ना, करते हैं ना, चीजें बदलती है। अगर किराए में बढ़ोतरी हो रही है तो सुविधाएं और अपेक्षाओं का ध्यान भी रखना होगा। आप देखिए कि आज भी उस पर भी आपको लेके जो चीजें मिलनी चाहिए, खाने की क्वालिटी नहीं है वो मिल पाती है। आशिमा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो रेलवे है भारत में सरकारी उपक्रमों में सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक है। 13 से 15 लाख और इनडायरेक्टली ना जाने कितने लाख लोगों को एम्प्लॉय देता है रेलवे। बिल्कुल देता है। इसमें अगर 4.5 साल के अंतराल में ये किराया बढ़ने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है आशिमा जी। हाँ, और अगर किराया ये हो कि 8 से 10 फीसदी तक ज्यादा से ज्यादा बढ़े, महंगाई इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है कुलदीप, और किराया में बढ़ोतरी होगी जो गरीब आम जन है वो रेलों को प्रेफर करते हैं, लोग रेलों में जाना जो है उनकी मजबूरी हो जाता है, और अगर किराए में बढ़ोतरी होती है तो सीधा उनकी जेब पर मार पड़ती है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपको समझना चाहिए कि इंडियन रेलवे के संचालन में कितनी दिक्कतें पेश आती है, कितना बजट इसके लिए चाहिए। आपको पता है रोजाना 2.5 करोड़ लोग, रोजाना 2.5 करोड़ लोग रोजाना 2.5 करोड़ लोग यहाँ से सफर करते हैं ट्रेनों में बैठकर। बहुत से देशों की तो जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी हमारे ट्रेनों में लोग बैठे होते हैं रोजाना। तो उसको संचालित करना, उसको ऑपरेट करना रेलवे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके लिए बहुत बड़ा बजट, तब जबकि पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन के दौर में निकल चुका है रेलवे। आपको ये बता दूं कि आगे आने वाले सालों में रेलवे इतना कुछ आपको देखने को मिलेगा। सफर करते वक्त यात्री के मन में यही सवाल होता है, सुरक्षा चाहे साफ सफाई, खाना पीना जिसके लिए वो भुगतान करते हैं। आप कहेंगे कि चलिए घर से खाना लेकर आ जाइए, इतना तो जो लंबे सफर में यात्री करते हैं उस दौरान तो उन्हें खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उसमें ना तो उनको क्वालिटी मिलती है, और कई बार जब उनको क्वालिटी अगर मिल भी जाए तो खाना प्रोवाइड नहीं होता। और अभी मैं अपने अगर एक फ्रेंड की बात बताऊं तो उन्होंने कहीं ना कहीं 2 दिन पहले ही इस स्थिति से सामना किया है, और इसका जिक्र जब चल रहा था तो उन्होंने ये बात रखी कि जब उनसे खाना मांगा गया तो खाना खत्म हो चुका था, जबकि उनका पे भी उन्होंने किया था उसके बाद। आपने खाने का सवाल किया, खाने का सवाल किया आशिमा, आपने सुरक्षा का सबसे बड़ा मैटर है अगर है खुद को वो सुरक्षा है, और सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दूं टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में से सरकार की सुरक्षा रहा था। आपको ये भी यकीन दिला दूं क्योंकि आंकड़े यही कहते हैं 2014 के बाद पहले और 2014 के बाद और खास तौर पर अब 2018 17 18 19 शार्प ड्रॉप हुआ है रेलवे के हादसों में। आशिमा, रेलवे के हादसों में शार्प ड्रॉप हुआ है, 82% दुर्घटनाएं कम हो गई है, ये बहुत बड़ा शार्प ड्रॉप है, बहुत बड़ा शार्प ड्रॉप है, और ये हमें समझना चाहिए क्योंकि अगर कोई प्राथमिकता रखी थी सरकार ने सिक्योरिटी को सबसे पहले रखा था, जो होता है सबसे पहले सिक्योरिटी को रखा था, बस अच्छा ये देखिए घाटा हो रहा है, जनता पर बोझ डाल दो। नहीं नहीं आशिमा, ये देखिए कि पिछले 3 से 4 सालों में अनमैंड जितनी भी क्रॉसिंग थी रेलवे की सबसे ज्यादा हादसे वहां हुआ करते थे, 11,000 से ज्यादा अनमैंड रेलवे क्रॉसिंग थी जहां पर ट्रेन कब आ रही है और लोग पार कर रहे हैं, फाटक है नहीं है, वहां पर कोई बंदा खड़ा है रेलवे का नहीं खड़ा है, लेकिन ट्रेन आती थी, कभी ट्रैक्टर कभी बारातियों से भरी बस उसका शिकार बनती थी। आज अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पूरी तरह से ब्रॉड गेज में लगभग बंद कर दी गई है, लगभग बंद कर दी गई है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी को लेकर गलत है, वो लोगों की लापरवाही है। लेकिन जब रायबरेली में जो भी हादसा हुआ जहां पर आपने देखा होगा ट्रेन सीधे घरों में जाकर अंदर घुस गई, हालांकि रात की बात है वहां पर इतना नुकसान नहीं हुआ लेकिन हो सकता था, जान जा सकती थी, इसमें आप क्या कहेंगे? उसमें भी लोगों की, मैंने ये नहीं कहा कि हादसे हो ही नहीं रहे, पूरी तरह से बंद हो गए, काम क्यों नहीं किया जाता उसमें भी तो। लेकिन आशिमा, आपको 82% का ड्रॉप इस सरकार में अगर दिखता है तो यह मानकर तो आप चल सकते हैं कि सिक्योरिटी जो कंसर्न है सरकार का सबसे बड़ा या अपर मोस्ट यू कहें तो पहलू है, उस पर उसने फोकस किया है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, पूरी तरह से अमल में नहीं आया और हाथ से रुके नहीं है। आपको यह समझना होगा कि रेलवे सबसे बड़ा सियासत का गढ़ रहा है, बिल्कुल केंद्र में रेलवे के जरिए सियासत साधी जाती थी। आपको यह समझना होगा कि रेलवे में सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं, 2.5 करोड़ एक दिन में सफर
करते हैं तो सबको पता था, और इसी चक्कर में किराए नहीं बढ़े, किराए नहीं बढ़े तो फिर क्या हुआ, सहूलियतें नहीं बढ़ी। ये आपको समझना होगा, किराए नहीं बढ़े, सहूलियतें नहीं बढ़ी। अब जो किराए बढ़े, किराए बढ़ाए गए, उसमें कितनी सुविधाएं मिली मैं बताता हूँ आपको। देखिए पिछले 4-5 सालों में कितना मॉडर्नाइजेशन हुआ। मैं नहीं कह रहा कि हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो गया, उसके मुताबिक हुआ, लेकिन आप ये देखिए, लोगों की उम्मीदें ही पूरी नहीं हो रही है तो किराया बढ़ाने का क्या तात्पर्य? कदम उठाए ना, एक्सपेक्टेशन का तो कोई अंत नहीं होता, उस पर कदम उठाए, एक्सपेक्टेशन का कोई अंत नहीं होता, आपकी आशाओं का कोई अंत नहीं होता, लेकिन आज आप प्लेटफॉर्म की स्थितियां देखिए आशिमा, आज आप प्लेटफॉर्म की स्थितियां देखिए, आप रिटायरिंग रूम की स्थितियां देखिए, वहां पर क्लॉक रूम जो बने हुए वहां की स्थितियां देखिए, प्लेटफॉर्म की स्थितियां देखिए आप, वहां पर उनको टॉयलेट में जब वो जाते ना तो पानी की सुविधा होती है, आप ये तमाम चीजें भी तो देखिए, ये पहलू को बहुत चीजों पर काम किया गया है, वो आपको समझना होगा। मुझे नहीं पता आप ट्रेन से कितना सफर करती हैं, आप ट्रेन से कितना सफर करती हैं, आश्रम मुझे नहीं पता, कुलदीप काम किया होगा, आप देखिए ना 600 स्टेशन पर, 600 से ज्यादा स्टेशन पर एस्केलेटर लगाए गए हैं, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए, कितनी बड़ी सुविधा, 600 से ज्यादा स्टेशन पर लिफ्ट का बंदोबस्त हुआ है, पिछले 4-5 सालों में हुआ, ये पिछले 4-5 सालों में हुआ, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, प्लेटफॉर्म पर बैठने जो लोग हैं वो नजर आ जाते हैं, आज भी वो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को हम कंट्रोल, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मैंने क्या कहा आशिमा, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 4 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो हमें समझना होगा, और सिक्योरिटी के लिहाज से, ना सिर्फ सिक्योरिटी, यानी कि हादसों में रुकावट आई है, नहीं, पिछली सरकार ने कितना ध्यान दिया, नॉर्थ ईस्ट जो पूरी तरह से अनकनेक्ट था, ये मान लीजिए डिस्कनेक्ट था मेनलैंड इंडिया से, मेनलैंड इंडिया से, आपने देखा नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से फोकस किया गया, अलग से मंत्रालय बनाया गया नॉर्थ ईस्ट के लिए, अलग से मंत्रालय बनाने के बाद भी चीजें क्यों नहीं हो पा रही है, उसके बाद देखिए ना कितनी बड़ी कनेक्टिविटी हुई, बोगीबील आपने सबसे बड़ा रोड और जो रेलवे का ब्रिज है सबसे बड़ा, इन्हीं की सरकार ने बनकर तैयार हुआ, जो सरकार ने काम किया, लेकिन जिस पर काम करना है सरकार को उस पर क्यों नहीं हो पा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आप ये मानिए मेन चीजें होती है, सबसे ज्यादा अगर हमें कोई खतरा है, हमें हमारा जो सफर कर रहे हैं पारंपरिक दुश्मन है पाकिस्तान से नहीं, हमें चाइना से, और खासतौर पर बार बार वो क्लेम करता है अरुणाचल पर, और अरुणाचल की कनेक्टिविटी नहीं थी, और सरकार ने आप देखिए कनेक्टिविटी हुई है, ईटानगर से डिब्रूगढ़ आना हो पहले 24 घंटे का सफर करना पड़ता था, सवाल ये है ही नहीं, वो कदम उठा रही है लेकिन उन पर कदम क्यों नहीं उठा रहा जो जनता के हित में होना चाहिए, सफर करते हुए यात्री चाहता है कि उसको साफ खाना मिले, उसको साफ सफाई मिले, जाओ अगर आप खाने की बात कर रहे लेट, जो उसको लेट रेल हो जाती है उसकी चलते उसको नुकसान, तो उसकी भरपाई करें, मैंने कह रहा कि बहुत बढ़िया क्वालिटी है लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक है, प्रमाणित है, प्रमाणित है, स्टैंडर्ड की क्वालिटी है, ये ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसे, हाँ। और देखिए फिर रेलवे एक्टिविटी, रेलवे मिनिस्टर कितने एक्टिव हुए पिछले 4-5 साल में, ट्विटर पर अगर कोई कहीं फंसा हुआ है, किसी के बच्चे ने दूध नहीं पी पाया है, ट्विटर पर रेलवे मिनिस्टर, उनका रेलवे जो स्टाफ है वो कितना एक्टिव रहा है, कहीं भी कोई समस्या आई है उसको लेकर काम चला है, और कितना बड़ा व्यू है सरकार का, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि $1 ट्रिलियन यानी कि कई लाख करोड़ रुपए अगले कुछ सालों में इन्वेस्ट करने जा रही है भारत सरकार, एफडीए खोल दिया गया है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आमंत्रित कर दिया गया है, यानी कि अब वो सरकार चाहती है कि इतनी सैकड़ों एकड़ बेकार जमीन पड़ी हुई है रेलवे की जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, जहां पर इंक्रोचमेंट है, उसका यूज हो, उसका ब्यूटिफिकेशन हो, प्लेटफॉर्म्स का ब्यूटिफिकेशन हो, वाईफाई से बहुत से स्टेशन लेस कर दिए गए हैं, वाईफाई से बहुत से स्टेशन लेस कर दिए गए, ठीक है, ठीक है, पहले किराया नहीं बढ़ा था क्या कुलदीप, देखिए और हमारी बहुत बड़ी जरूरत है जो हमारे बड़े जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, मुंबई है, बेंगलुरु है, इसके 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 डेवलपमेंट के लिए जो सबर्बन बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, दूसरे बड़े शहर हो गए, यहाँ पर पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जो सब अर्बन नेटवर्क है आपको पता है, मुंबई का आपको पता है 70,000 करोड़ की लागत से, 70,000 करोड़ की लागत से आशीमा महसूस करती है, नहीं 4 साल बाद देखिए आशिमा ये बात तो आपको समझनी होगी, एक बात तो आपको समझनी होगी, हम यहाँ से ऑफिस से निकलते हैं 10-15-20 किलोमीटर की दूरी हमें ओला उबर से तय करनी होती है, आशिमा ये समझिए 10-20 किलोमीटर की दूरी हमें ओला उबर से तय करनी होती है, हम 500 रुपए देने को तैयार रहते हैं,
लेकिन वही दूरी 500 किलोमीटर की हम तय करेंगे, लेकिन 500 रुपए हमारे लिए खटकेंगे। हालांकि आपको बता दूं, जनरल क्लास की बात बता दूं तो आपको वहां पर अभी भी किराए बहुत कम है। हालांकि जनरल क्लास में अब सफर करना छोड़ा है क्योंकि हमारी मिडिल क्लास जो है अच्छी खासी बढ़ी है, एक बहुत बड़ा दायरा है हमारी मिडिल क्लास का वहां 500 जनरल क्लास में। तो यहां से आप कटरा तक जाएंगे शायद आपका 250 रुपए 300 रुपए भी ना लगे, और यहां हम ओला उबर में बैठकर 10-20 किलोमीटर के लिए 500-500 रुपए देने को तैयार होते हैं। तो वो सर्विस कितनी बढ़िया हो जाती है, वो जिस भी कंपनी की सर्विस है कितनी बढ़िया हो जाती है वे। इसलिए हमें पैसा उसमें इन्फ्यूज करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और जनता को सहयोग देना होगा। हमारी ही अगर 4 साल तक वेतन ना बढ़े, 4 साल सैलरी ना बढ़े, तो फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से हम भी बहुत पीछे रह जाएंगे, शायद अपने मकान को हम पेंट भी ना करवा पाए। बहुत सी चीजें ऐसी आशिमा जो समझना होगा। किराया बढ़ाने से सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेबों पर पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे सर, लेकिन सहूलियतें मिल पाती हैं उसके मुताबिक? नहीं, अभी तो रेल फेयर जो है वो हमारी ट्रेन जो सवारी जो यात्रियों की ट्रेन है उन पर बढ़ाने पर बात हुई है। फ्लाइट का अभी मुझे नहीं पता कि फ्लाइट पर अभी बढ़ाया जाएगा कि नहीं। फ्लाइट की बात ही नहीं कर रही, मैं रेल की बात कर रही हूं। मैं रेलवे मालगाड़ियों की बात कर रहा हूँ कि क्या उनका किराया भी बढ़ाया गया। अगर उनका किराया बढ़ाया जाता है तो यकीनन थोड़ा सामान महंगा होता है, ये जरूर है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको ये बताऊंगा, DFC आपने सुना हो शायद, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहे हैं। उससे क्या होगा देखिए आशिमा, और मैं दर्शकों को भी समझाना चाहूंगा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनेंगे तो उससे ये हो जाएगा कि हमारी ट्रेन की स्पीड और कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कि मालगाड़ियों के लिए ट्रैक बिल्कुल अलग होगा। आज हमारी गाड़ियां या मालगाड़ियां कितना माल डिले करती हैं पहुंचाने में एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में, क्योंकि पहले हमें जगह देनी होती सवारी ट्रेनों को। और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर क्या होगा कि वहां पर खुलेआम फ्राइट कॉरिडोर की मालगाड़ियां, तो फिर सामान जो इधर से उधर पहुंचाना है उसका वक्त बहुत कम हो जाएगा, उसकी लागत भी बहुत कम हो जाएगी। और डेडिकेटेड है, मैं नहीं कह रहा कि इसी सरकार ने बनाया, पिछली सरकार में इसका काम शुरू हो गया, लेकिन 4 और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है प्रपोज है इस सरकार में, उन पर भी काम शुरू हो जाता है। फिर देखिए आगे आगे रेलवे का कितना। अपनी बात आपने रख ली, आपने वो पॉइंट्स गिनाए जिन पर काम किया सरकार ने, आपने वो पॉइंट्स गिनाए जो जिस पर आगे काम करना है और जो घाटे के जरिए पूरा करेगी उन एजेंडों को। लेकिन आप क्या मानते हैं, एक बहुत बड़ा रेल नेटवर्क जो है भारत को माना जाता है, लेकिन आराम गति सुरक्षा के नाम पर आज भी कहीं ना कहीं वो पीछे है। नहीं, सुरक्षा तो मैंने बताया आशिमा, उस पर मैंने खुलकर बताया कि पिछले 2 से 3 साल में 82% का शार्प ड्रॉप आया। अभी भी हो रहा है, बिल्कुल देखिए हादसे तो जर्मनी में भी हो जाते हैं, मोस्ट एडवांस कंट्री में से एक है रेलवे नेटवर्क के बारे में कहे तो उस लिहाज से भी, वहां पर भी हादसे होते हैं, अमेरिका में भी हादसे होते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं और अभी इंडियन एवरेज तो बहुत ज्यादा है उस हिसाब से। आपको लग रहा है कि हो रहे हैं? नहीं, अब कम हो रहे हैं, बहुत कम हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत है। बढ़ने से क्या रुक जाएगी, पूरी तरह से लगाम लग जाएगी? माना जाए पैसा अगर आएगा रेलवे बोर्ड के पास, उसकी हेल्थ ठीक होगी, फाइनेंशियल हेल्थ उसकी अगर ठीक होगी, वो जरूरी कामों में पैसा लगा सकता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए अब हमें लोगों की हेल्थ खराब हो जाएगी। हमें एक दौर आगे भी तो निकलना है आशिमा, वाकिफ होंगे कि आज आशिमा हमें एक दौर आगे भी निकलना है। आज को देखिए, पिछले 4-5 सालों में आप देखिए डिजिटाइजेशन का कितना फायदा पहुंचा है रेलवे को। आज टिकट बुक कराना कितना आसान हो गया, टिकट कैंसिलेशन कितना आसान हो गया, तत्काल कितना आसान हो गया। चलिए वो बातें छोड़िए, ठीक है ठीक है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन आज पूरी तरह से रेलवे उस दहलीज पे खड़ा है जहां से वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। आज वो चीन की बराबरी करना चाहता है, बुलेट ट्रेन की बनने की शुरुआत हो गई है, बुलेट ट्रेन की। और छोड़िए हाइपर लूप, शायद आपने सुना हो, उनको तो पूरी तरह बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्म होने के दौर से गुजर रहा है भारतीय रेलवे। इसमें अब पैसा चाहिए, इसमें बस अब पैसा चाहिए, और उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे जिस तरीके से पहले टाइमिंग में सुधार कब आएगा, क्या इस पर काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत सी चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप किराया बढ़ा दीजिए, टाइमिंग में सुधार कब आएगा? देखिए टाइमिंग में भी, टाइमिंग में देखिए, अच्छा आशिमा आपको ये समझना होगा, आशिमा आपको ये समझना होगा, तो हमें थोड़ा लेट ही जाना चाहिए क्योंकि आशिमा आपको ये समझना होगा, पिछले 3-4 साल में रफ्तार बढ़ गई है ट्रेनों की। आप जितनी भी सेमी स्पीड हाई स्पीड ट्रेनें आ रही है, अब पुरानी गाड़ियों का जिक्र नहीं होता, अब तेजस आती है, वंदे भारत आती है, और कई ऐसी ट्रेन आ रही है जिनकी स्पीड पहले से ज्यादा है। टेल्को आई, आपने टेल्को को देखा 170 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, और वो क्यों सुधर रहा है, क्योंकि सरकार डेडिकेटेड तरीके से उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है। अब सरकार को और पैसा चाहिए, इसको और ज्यादा अपग्रेड करना है, और ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ानी है,
हमें न सिर्फ डायमंड क्वाड्रिलेटरल को पूरा करना है जहां पर पैसेंजर ट्रेनें जो है रफ्तार भरती हुई एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचे, बल्कि फ्लाइट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देखना आने वाले 5-7 सालों बाद बहुत कुछ सुगम हो जाएगा रेलवे के लिहाज से अगर कहें, और रेलवे एक ऐसा नेटवर्क है देश भर उसे यूज करता है, उसको अपग्रेड हर हाल में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जनता का ख्याल रखते हुए एक रीजनेबल उसकी बढ़ोतरी हो तो उसमें जनता को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही रीजनेबल बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे डेवलपमेंट भी होगी, फैसिलिटीज भी बढ़ेंगी। जनता के हित में क्या सकारात्मक रुख आपको दिख रहा है? देखिए मैंने बताया ना आपको, पैसा जब इन्फ्यूज हुआ अंदर रेलवे में तो फिर हाँ सुरक्षा को लेकर देखिए यही वजह है कि दो चीजों को सेपरेट किया हुआ है। आज भारत की बनाई हुई ट्रेनें एक्सपोर्ट हो रही हैं, वंदे भारत एक्सपोर्ट हो रही है। आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में भी पैसा लगता है, अगर हमें कुछ खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके लिए हमें रिसर्च करनी है, ये रिसर्च करके तो बनी है वंदे भारत, और कितने बढ़िया शानदार तरीके से कुछ ही इंजीनियरों ने यह बना के रख दिया। तो आप ये समझिए कि दूसरे देश कोई भी मामला हो उसमें रिसर्च के लिए बहुत सा पैसा खर्च करते हैं, और रिसर्च के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। वंदे भारत इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी से बनाया है, इसकी बॉडी जो है बिल्कुल हल्की है, इसमें बैठना बिल्कुल आरामदायक है, ये टेक्नोलॉजी से लेस आप है। कभी बैठे हैं उसमें? सफर किया है आपने? जी मैं अंदर जरूर गया, लेकिन लंबे सफर में अगर मैंने सफर नहीं किया, अंदर जरूर गया। मैं जिक्र करूं तो बाय टॉयलेट से लेस कर दिया गया है, बहुत सी ट्रेनों को तो बाय टॉयलेट से लेस कर दिया गया है, लेकिन जो गरीब आदमी है जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन टॉयलेट को, वो उसी रेल में सफर करते हैं। बिल्कुल, आप उनकी हालत देखिए ना, आप ये वंदे भारत इनको गरीबों की ट्रेन बना रखना चाहते हैं। हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास अच्छा खासा बढ़ चुका है, और जितने भी गरीब हैं आप देखें आज रेलों की टिकट जो है वो कहीं ना कहीं अब अगर इकोनॉमिक क्लास में सफर करता है तो उसके बराबर हो चुकी है, अगर डंकी अगर आप रेल में जाके सफर करते हैं। मैं ये मानता हूं कि एक बहुत ही निहायती कोई गरीब शख्स है उसके लिए जनरल क्लास अभी भी मौजूद है, उसमें बढ़ोतरी होती है, कितनी होती है, कुछ होगी भी तो अगर वो 10% की दर से भी हो, 12% की दर से भी, तो उसमें ज्यादा इजाफा नहीं होने वाला है। हालांकि मैं ये मानूंगा कि जनरल क्लास को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो सबसे गरीब भी है वो भी सफर करने में हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन उसके ऊपर जितना भी है जो कि वो जो चीजें हैं, लेकिन मैं टाइमिंग का एक उदाहरण ले लेती हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में आज भी ये मिथ बना हुआ है कि अगर हम रेल से सफर कर रहे हैं तो हम आधा एक घंटा लेट चलते हैं, 10-15 मिनट भी हम अगर लेट जाएंगे तो चल जाएगा क्योंकि देरी से ट्रेन आने वाली है। मैं जनरल उस ट्रेन की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है, मैं पिछले 3-4 साल से जो सफर कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से जो सफर कर रहा हूँ, क्या मैंने ये देखा है कि टाइमिंग को लेकर और उससे जो नुकसान उसकी भरपाई की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं आपकी, सब कुछ अप टू द मार्क नहीं हुआ है और इतनी जल्द नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है। पाकिस्तान का रेलवे आपके सामने, ये भी एक सरकारी रेलवे, पाकिस्तान का रेलवे पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, लेकिन भारतीय रेलवे में दमखम था, उसको दिशा दी गई, थोड़े थोड़े नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए तो उससे इसकी दिशा बदलने लगी है। अब हमें इंतजार करना चाहिए कि थोड़ा सा अगर किराया बढ़ता है उसको ज्यादा भार के तौर पर नहीं लेना चाहिए, हाँ बेतहाशा बढ़ता है तो फिर तो सरकार की मुखालफत बनती है, लेकिन अभी अगर किराया बढ़ता है और रीजनेबल बढ़ता है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ सरकार से एक्सपेक्टेशन जरूर रखनी चाहिए कि अब और ज्यादा सुधार आएंगे और ज्यादा भारतीय रेलवे का जो है वो जीर्णोद्धार होगा। और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसके जरिए ये भी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कुलदीप ने पक्ष जो रखा है किराया बढ़ाने का, लेकिन साथ में अपेक्षाओं का ध्यान भी उन जनता का रखना चाहिए जिन पर इसका भार पड़ने जा रहा है, और उसके लिए सकारात्मक रुख होना चाहिए, सुरक्षा और लेट लतीफी जो आप कह रहे हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यही था पक्ष और विपक्ष में तर्क और जो हमने अपनी अपनी राय रखी, इससे आप कितना मुखातिब है आप खुद एनालिसिस कीजिए, लेकिन ये जरूरी है कि आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ नया रेलवे में देखने को मिले, और ये भी जरूरी है कि ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए भी रेलवे को वो सहूलियतें और वो सकारात्मक रुख दिखाना चाहिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए आर90। नमस्कार।